हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। बहुत ही टेस्टी लगता है ये बैंगन का भरता और झटपट बन जाएगा। अब रोटी राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। चलो बनाते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बैंगन लिया है, इसे कल्याणी बाटा भी बोलते हैं ना, बैंगन बोलते हैं हमारे यहाँ, बाटा बोलते हैं इसे। इसको सबसे पहले अच्छे से पोंछ लेंगे धो के। इसके बीचों में ऐसे बीच बीच में ऐसे चीरा लगा के, ये लहसुन है मैंने छिलके निकाल दिए हैं, इसको बीच में हम लोग डाल देंगे। लहसुन की कलियों को ऐसे पूरे बैंगन में हम लोग ऐसे कर देंगे, पूरे बैंगन को बीच बीच में हम लोग चीरे लगा के लहसुन की कलियाँ स्टफ कर देंगे। देखिए पूरा कर दिया मैंने। उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के इसको तेल अच्छे से लगा लेंगे, तेल अच्छे से लगा के इसे एकदम सबसे छोटा वाला गैस होता है ना, एकदम धीमी आंच पे एक स्टैंड रख के इसको अच्छे से भून लेंगे, अलट पलट करते हुए। एक जगह छोड़ने देना है, एक एक मिनट में इसको ऐसे पलटते रहिए। ऐसे पलट के पूरा का पूरा अच्छे से उसको जला लीजिए बैंगन को। इससे के लहसुन भी भुन जाएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद निकाल देते हैं हम लोग। देखिए पूरा बैंगन जल गया अच्छे से। इसे ठंडा करके निकाल लिएगा छिलका, लेकिन मेरे को आपको दिखाना है करके मैं गर्मा गर्मा दिखा रही हूँ। देखिए जो लहसुन हमने डाला वो भी मस्त भुन गया है, काफ़ी गर्म है बैंगन। आप एकदम अच्छे से इसको ठंडा करके एक कटोरी में पानी लेके हाथ डुबा डुबा के आप बैंगन का छिलका निकालेंगे तो अच्छे से निकल जाएगा वो। बहुत ही टेस्टी लगता है ये बैंगन का भरता। जो नहीं खाने वाला बैंगन भी वो भी खाएगा, इतना अच्छा टेस्टी लगता है। देखिए इसको मैंने पूरा छिलका निकाल दिया इस तरह से। फिर चाकू की मदद से इसको पूरा चॉप कर लेंगे, काट लेंगे। आप हाथ से भी कर निकाल के काट सकते हो, लेकिन आपको दिखाना है करके मैं चाकू से कर रही हूँ। इसको अच्छे से काट काट के निकाल देंगे, इसे मसल भी देंगे, मसलना भी हो जाएगा काटना भी हो जाएगा। इसका किनारा जो रहता है उसको भी अच्छे से पकाइएगा लास्ट में। देखिए इसको किनारा भी मैंने अलग कर दिया है। फिर इसको अच्छे से मैश कर लिया है। चलिए तड़का की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में 3 चम्मच मैंने तेल डाला है, सरसों, जीरा, एक बड़ा प्याज और 4 हरी मिर्ची डाला है। डाल के उसको अच्छे से भुनेंगे। वो वीडियो स्किप हो गया है मेरा, सरसों जीरा वाला। देखिए इसको अच्छे से भून लीजिए। आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, एक बड़ा प्याज और 4 हरी मिर्ची डाल के इसको अच्छे से भुनेंगे। अभी करी पत्ता डाल देंगे एक टंगा, डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर टमाटर डालेंगे 3 मीडियम साइज के। अगर आपके पास बड़े टमाटर है तो 2 डालिए, 3-4 मीडियम साइज के। जितना टमाटर डालो उतना टेस्ट ज़्यादा बढ़ता है इसमें। बहुत ही टेस्टी लगता है ये बैंगन का भरता। आज मीडियम मीटू लो टू मीडियम रखिएगा। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा स्पाइस रख रही हूँ मैं, अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। ये थोड़ा चटपटा तीखा अच्छा लगता है सब्जी। फिर इसको अच्छे से भून लीजिए। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये बैंगन का भरता और इतना टेस्टी है कि एक बार बनाएंगे तो आप घर वाले को छोड़ेंगे नहीं, फिर बनाओ बोलेंगे जल्द पक्का। इसको ढक देंगे हम लोग, लो टू मीडियम कर देंगे थोड़ा सा टमाटर गलने तक, 5 मिनट। 5 मिनट बाद मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए टमाटर गल गया, ऐसे तेल जो है ऊपर आ गया। देखिए मतलब टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं। बस टमाटर गलने तक ही है ये सब्जी, बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस इसको अच्छे से मिला लेंगे टमाटर को। अगर बड़े बड़े टमाटर दिखते हैं तो उसको कड़छी की सहायता से उसको मार के उसको छोटा कर देंगे, दबा देंगे ऐसे कड़छी की मदद से मार के बोल। फिर इसके बाद बैंगन का जो हम लोग मसल के रखे थे उसको डाल देंगे। इसे डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। जो जो बड़ा बड़ा पीसेस अगर दिखती है तो कड़छी की मदद से आप उसको दबा दबा दे के फिर उसे अच्छे से भून लीजिए 5 मिनट तक। उसके अंदर मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ। एकदम एकदम थिक भी नहीं अच्छा लगता, ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं अच्छा लगता, इसको मीडियम चाहिए रहता है। तो इसको आधा कप पहले पानी डाल के उसको अच्छे से पकने दीजिए इसके अंदर ही। देखिए इस तरह से
ठीक है। अच्छे से भुनने के बाद फिर थोड़ा सा और पानी डाल दे रही हूँ, आधा कप में, लगभग 1 कप पानी डाल रही हूँ मैं। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये, इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूले। और कैसा बना आपका बैंगन का भरता मुझे बिल्कुल कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे अच्छे से मिला के फिर 1 मिनट के लिए हम लोग ढककर इसको रखेंगे, ताकि वो टमाटर और बैंगन का जो टेस्ट है मस्त एक दूसरे में मिक्स हो जाए, टमाटर का और बैंगन का। तो स्मोकी स्मोकी टेस्ट ही बहुत अच्छा लगता है, स्मेल इसका। देखिए पक गया है, क्योंकि बैंगन पहले से हमारा पका था और टमाटर हमने पका दिया है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, ये तो सुंदर भी दिख रहा है। इसको अच्छे से मिला लीजिएगा, फ्लेम एकदम लो रखिएगा। देखिए तैयार हो गया हमारा गर्मा गर्म बैंगन का भरता। इसके अंदर मैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच जी धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जस्ट उसका ना कच्चापन जाने के लिए गरम मसाला का जस्ट आधा सेकंड रखिए, रख के निकाल दीजिएगा ढक्कन। देखिए निकाल दिया मैंने, बस तैयार है हमारा गर्मा गर्म बैंगन का भरता। इसे मैं कच्चा प्याज और धनिया पत्ती से सजा रही, कच्चा प्याज ऑप्शनल है लेकिन बहुत अच्छा लगता है इसमें, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। लीजिए तैयार हो गया हम लोग का गर्मा गर्म बैंगन का भरता। इंजॉय योर भरता।